उसकी पर्सनल लाइफ कहकर उसको अलग कर दिया, अब वो वीडियो में एडिट क्यों नहीं किया? टीचर से बुलवाती ना थैंक यू, छोटे बच्चों की लाइफ जो है वो स्पॉइल करी, जो पटाखा फोड़ा है ना टीचर, बहुत बड़े वाला लीचर। और हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिंपल व्लॉग्स पर। कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। देखिए लाइक बहुत जरूरी है, लाइक बहुत जरूरी है और मेरे लिए बहुत मायने रखता है आपका एक लाइक और एक व्यू। तो देखिए व्यू के साथ साथ कमेंट भर भर के जरूर से करें। मुझे पता है स्टार्टिंग में कल सब लोगों ने बहुत ज़्यादा स्किप कर दिया मेरा वीडियो, लेकिन कुछ एक लोगों ने जिन्होंने स्किप नहीं किया उन लोगों ने कमेंट सेक्शन में उस मंगलसूत्र के बारे में जरूर से लिखा जो मैंने दिखाया था। चलिए कोई बात नहीं, वीडियो बिल्कुल भी ना स्किप करके वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि आज मेरे दो वीडियो आने वाले हैं। मैं ऑलरेडी लेट हूँ, 10 बजे तक मेरे दो वीडियो आ ही जाएंगे। एक ये मिल जाएगा 7:30 तक आपको और एक मिलेगा रात को 10 बजे। सो आप लोगों की ओपिनियन उतनी ही जरूरी है मेरे लिए जितनी कि मोटो की स्क्रिप्ट जरूरी है आपको पता है किचड़ फैमिली के लिए। बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। आज के टॉपिक में सबसे पहले मैंने पोस्ट पर मॉर्निंग में आप लोगों से शेयर किया था कि ऐसी कौन सी बात बोली लीचड़ ने जिस वजह से जो दुपट्टा की भैया सब लोग बदनामी कर रहे हैं, भाभी का उसमें क्या कसूर है? भाई ही ऐसा नकम्मा लीचड़ नल्ला हो तो, है ना, भाभियाँ तो वैसे ही बदनाम हो जाती हैं। अच्छा तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ें, लेकिन उसको तक कोई पहुँच ही नहीं पाया कि ऐसा उसने क्या कहा था। आप लोगों को याद है कल आप लोगों ने, वो शायद आप लोगों ने देखने बंद कर दिए इनके एपिसोड, ये जो लीचड़ है इसने कि चंपा जो अपना सामान सारा वो मठियों का लेकर ऊपर जा रही थी कि चलो मठियाँ वगैरह नहीं, मतलब ऐसे कुछ जो भी मिला था निकवे वो दिखाने करने के लिए ऊपर ले जा रही थी उन लोगों को देने के लिए, वो ऊपर है कहती कि आप भी आ जाओ। बहुत सारे ऐसे हिंदी जो कि पंजाबी लैंग्वेज नहीं समझ पाते उनको नहीं पता लगी ये बात कि लीचड़ ने बोला नहीं मैं ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर वो नीचे नहीं आने देते हैं। शेम ऑन यू लीचड़, तुमने इतनी बड़ी बात बोल दी कि वो नीचे नहीं आने देते। वो कौन कौन, वो माँ नहीं आने देती या बहने नहीं आने देती? अरे भाई तुम उनको नीचे बुलाओ, वो उनका घर है, नीचे माँ का ही तो घर है, है ना। और यहाँ पर आप सब लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि जब से जब बड़की जिजी आई है सारा स्यापा ही रहा है, नहीं पाया स्यापा, तो आप यहाँ पर बिल्कुल राइट हो, है ना। लेकिन बदनामी किसकी हो रही है? दुपट्टा बीबी की। दुपट्टा ऐसे ही बदनाम है बेचारी, है ना, कि भैया ये गई थी वहाँ उनके घर पर तो भैया इसकी इतनी खातिरदारी हुई थी, इसकी इतनी खातिरदारी हुई थी, और जब ननद की खातिरदारी करने की बारी आई दुपट्टा जो है वो भाग जाती है मायके। और जी दुपट्टा के कमेंट सेक्शन में भी आप लोग देख सकते हो कि लोगों ने लिखा हुआ था कि जब देखो इसको घूमने की पड़ी रहती है, जब देखो इसको घर से भागने की पड़ी रहती है, ये मायके भाग जाती, ये यहाँ भाग जाती, वहाँ भाग जाती है, ये बड़की की क्या ही सेवा करेंगे। और बड़की के कमेंट सेक्शन में भी लोगों ने कुछ ऐसा ही लिखा है। तो आप मुझे ये बताओ कि जो भाभी वेट कर रही थी कि मेरी बड़की जिजी ने आना है, तो वो उसके लिए साफ सफाइयों में लगी पड़ी हुई थी कि वो आएंगी, है ना, मैं ऐसा सजा लूँ, मैं वैसा कर लूँ, लेकिन वैसा कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा क्या हुआ? मोटू की नाराजगी, मोटू की नाराजगी किससे है, है ना, या फिर मोटू जो है वो भाई बहनों के पचड़ों में पड़ना ही नहीं चाहता। मैंने आपको बोला, लीचड़ ने बोला मैं ऊपर नहीं आना चाहता, है ना, और कैमरे में ये लोग किसी को ले नहीं रहे, इतना पर्सनल। मैं कहती हूँ आज की तारीख में किसी की भी लाइफ जो कि सोशल मीडिया पर है उनकी लाइफ ही जब पर्सनल नहीं है, आप लोगों ने सारी लाइफ ही अपनी यहाँ रखी हुई है और झूठी कह रही है कि मेरे दिल में जो दर्द है, और भैया वो बता दूँ तो मैं, अब आप लोग भी समझोगे और जो मेरे से रिलेट करते हैं वो तो समझ ही गए, भैया तेरे से कोई रिलेट नहीं कर रहा, फिलहाल तो कोई भी रिलेट नहीं कर रहा और करेगा भी नहीं, क्योंकि जिस वजह से वो झगड़ा हुआ है वो मैं भी आगे एक्सपोज करूँगी आप लोगों के साथ, वो चीज़ें शेयर होंगी इसी वीडियो में होंगी, है ना। लेकिन मैं पहले आप लोगों को क्लियर कर दूँ, भाई ऐसे भाई होते हैं? अगर होते हैं तो मुझे बताओ, खुद वहाँ पर बहन के घर जाकर सोए पड़े रहे, उसने घुमाया फिराया खिलाया पिलाया सब चीज़ें की, देखो मेहमान नवाजी थी उन्होंने वो करी, लेकिन यहाँ पर आने पर जो दुपट्टा है, दुपट्टा से ना तो माँ बात कर रही है ना,
ना तो फिर बड़की जिजी बात कर रही हैं, अगर कर भी रही हैं तो भाभी के सब पैर ही पैर दिखा रही हैं। फंक्शन पे भी थोड़ी बहुत बात बहुत कर भी रही होंगी, लेकिन कैमरा में कैप्चर नहीं कर रही हैं भाभी को, क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ कहकर उसको अलग कर दिया। किचन भी उसकी अलग, ले अपना तेल वेल वाला जो भी खाना बनाना है बना भैया। नॉर्मल फैमिलीज में घी तेल खाया जाता है और डॉक्टर भी बोलते हैं देसी घी खाना चाहिए, आप लोगों के सेहत के लिए ठीक है। और बड़की नहीं खा रही है कुछ भी ऐसा घी वगैरह, तो भैया खुश्की इसके दिमाग में भी चढ़ गई है, पेट भी नहीं इसका साफ होता और खुश्की भी दिमाग में चढ़ गई है ना। तो अब ये जो खुश्की है क्या वो प्रॉपर्टी को लेकर है? सारी बातें मैं वन टू वन आप लोगों के साथ क्लियर करूंगी कि भाई के साथ क्या झगड़ा है। पिछले 4-6 महीने से यही चला रहा है। बड़की का रोना निकल आया था जब इसने बोला था कि भाई ने बोल दिया है कि भाई मैंने जो है प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली है ना, तो मेरे को लगा राशन कार्ड से मेरा नाम कट हुआ था, मुझे उसी दिन रोना आ गया था। बड़की यहाँ घर की परिवार की बड़ी बेटी है, ठीक है, लेकिन मैं भी बड़ी बेटी हूँ, लेकिन आप लोग क्या समझते हो कि जो बड़े होने का यही होता है कि प्रॉपर्टियों में भी आप लोगों को हिस्सा चाहिए? या फिर ये लगा कि भैया जो छुटकनी है उसने तो फर्स्ट फ्लोर बना लिया, लेकिन उसकी सिचुएशन में और बड़की तुम्हारी सिचुएशन में फ़र्क भी तो है ना। और पर्सनल लाइफ तो भैया सोशल मीडिया पर किसी की भी नहीं, और आप लोग जब बात करते हो तो गूगल भी वो बात उठा लेते हैं। जैसे मैं अभी जस्ट अपने बेटे से हम लोग शूज़ के ऊपर बात कर रहे थे, फ़ोन के ऊपर बात कर रहे थे कि लेना है या कैसे जो भी है ना, मेरे सर्च लिस्ट में मैं सर्च भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, फिर भी आ रहा है सजेशन में। यूट्यूब ओपन करा है तो वो जूते नज़र आ रहे हैं, वो फ़ोन नज़र आ रहा है। तो ये जो मुझे लगता है सैटेलाइट ऊपर छोड़ रखी है ना, तो वो सारा कुछ कैप्चर कर रही हैं। तो जुठियंका ऐसे सैटेलाइट के थ्रू मुझे पता लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी को लेकर ही वो सारे चक्कर हो रहे हैं, मेरे दिमाग के वो एंटीना जो है ना वो खड़े हो गए। ये सारे चक्कर प्रॉपर्टी को लेकर ही हैं, क्योंकि खाने को लेकर ये सारी बातें नहीं हैं, ये कोई पर्सनल इशू ही है ऐसा जो कि प्रॉपर्टी को लेकर। तुमने थोड़ी सी तो फुलझड़ी छोड़ी थी वहीं पर है ना, तो अपने घर से ही, तो वहाँ से फुलझड़ी है जहाँ तक पहुँची कि तुम्हें यहाँ पर एक्चुअली में क्यों रुकना पड़ा। CHD तक काम करवाने के लिए तो तुम ठेके पर भी दे सकती थी, भाई लेकर भी गया था, उसने सारा दिखाया करा भी था है ना, लेकिन अब तुम्हारे लोगों का कैब से ही इधर उधर जाना और बार बार यही कहना भैया तुम्हारी गाड़ी है, तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, तुम जियो तुम्हारी ज़िंदगी जैसे मर्जी करो है ना। तो ये सारी बातें जो है ना इशारा वो प्रॉपर्टी को लेकर ही कर रही हैं कि मुझे भी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, चाहिए मुझे पूरा हिस्सा। और वहाँ पर मोटू की नाराज़गी भी सामने आ गई। मोटू ने कहा कि हमें हिस्सा नहीं चाहिए, नहीं लेना हमें कुछ भी, जब पहले नहीं कुछ लिया तो अब क्या मुँह काला करवाएंगे कुछ लेकर। तो जुठियंका कहती मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, मेरे मुँह से अगर कुछ निकल गया तो वो निकल गया है ना। अब मैं नीचे तो पैर रखा ही नहीं, आप बताइए मुझे जब से ये जुठियंका आई है क्या नीचे आप लोगों को नज़र आई है? नहीं आई है, वो सिर्फ वेड़े में रील बनाने के लिए झाड़ू जरूर से इसने लगाया, लेकिन कमरों में इसने पैर नहीं धरा, धरा होगा लेकिन वीडियो में नहीं बनाया, दिखाया बताया बिल्कुल भी है ना। तो वहाँ पर भाभी बुरी बन गई, भैया उसकी तबीयत ख़राब होने लगी, उसको अचानक से गर्मी लगने लगी, वो अलग अजीब अजीब सी शॉपिंग करने लगी है ना। भाभी भी अब देखो जरा नई नवेली है, सारा कुछ उसको जो तीज त्यौहार पे पैसा खर्चा करना है, जो उसको मायके से मिले शगुन सार वो सारे अब उसको यहीं पर तो खर्च करने हैं इनके घर पर। तो फिलहाल मेरे को लगता है प्रॉपर्टी को लेकर ये सारी चीज़ें हैं, ये पर्सनल इशू जो हैं वो प्रॉपर्टी को लेकर ही हुए हैं। आप लोगों ने देख लिया वो सारी बातें कि उसने ये जब चीज़ बोली ना कि मैं ऊपर नहीं जाना क्योंकि फिर वो मन थल्ले नहीं आ देते, मतलब क्या था इसके पीछे, इसके पीछे का मतलब क्या था? आप वो वीडियो में एडिट क्यों नहीं किया, आपने अपनी पर्सनल जो कि बहुत ज़्यादा पर्सनल बात थी यहाँ पर बोल दी है ना। तो माँ का रोना तो समझ में आता है कि क्यों, अब मुझे लग रहा है कि माँ ने कहा कि जिस माँ ने पैदा किया उसको थैंक यू बोलिए जन्मदिन पर, ये इसे लीचड़ से बुलवाती ना थैंक यू, ऑन कैमरा बुलवाती, क्यों नहीं बोला लीचड़ ने। और अहोई अष्टमी पर वो पूजा हुई, ठीक है, पुत्तन के ऊपर मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि पुत्तन का कल का पॉजिटिव एपिसोड था वो पॉजिटिव ही रहा है ना, उसमें कुछ भी मुझे ऐसा नज़र नहीं आया जिसके लिए मैं बात करूं है ना, पुत्तन के ऊपर बात नहीं है। सारी बात आती है जुठियंका पर और सारी बात आती है मदर इंडिया के ऊपर,
मदर इंडिया, रात भर आप मतलब सो नहीं पाती हो, आप चलो ठीक है एक उम्र का तकाजा भी होता है, लेकिन आप अपनी इस बिटिया को पिछले 6 साल से बहुत कुछ समझाना चाह रही थी लेकिन ये समझी नहीं, क्योंकि आपका हमेशा से यही रहा कि जो बच्चा जिद्दी है ना उसकी हाँ में हाँ मिलाकर आपने अपने छोटे बच्चों की लाइफ जो है वो स्पॉइल करी। लेकिन ये मैंने शुरू से ही कह दिया था, लीचर की शादी पर ही कह दिया था कि वो अपनी वाइफ के साथ, सॉरी वाइफ के साथ नहीं, अपनी वाइफ और अपनी इस फैमिली के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। उसके लिए उसकी वाइफ ही सब कुछ होगी, है ना। बेशक वो उसकी इंसल्ट करता है, कुछ करता है, फिर भी उसकी वाइफ को लगता है कि मेरे लिए स्टैंड यही लेगा, तो स्टैंड लिया हुआ है शायद उसने, वो स्टैंड में जंग लगा हुआ स्टैंड ले रखा है इसने। तभी तो इसने छोटा सा जो पटाखा फोड़ा है ना कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, नहीं तो वो मुझे नीचे नहीं आने देते, तो वही अष्टमी का भी माथा, माता जी को नीचे टेकना था, उन्होंने ऊपर ही एक जगह पर टेका, यही कि भी घर एक है तो नहीं, पिछली बार तो पुत्र ने नीचे माथा टेका था, है ना। तो माता जी आपने अपने मंदिर में धूप बत्ती करते हुए क्यों नज़र नहीं आते, ऊपर ही धूप बत्ती आप करते हो, आप वैसे पहले जैसे नज़र क्यों नहीं आते हो, जैसे आप तुलसा जी में जल चढ़ाते थे, अगरबत्ती लगाते थे, धूप लगाते थे, वैसे नज़र नहीं आते हो, क्योंकि आपका भी ठो ठिकाना ऊपर ही है जब तक बड़की जिज्जी जहाँ है। बड़की जिज्जी जहाँ रुकी हुई और बार बार कहती है कि लोग कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों पड़ी हुई, अपने घर जाओ, मेरे तो समझ में नहीं आता ऐसे कौन से लोग हैं जो इनको ऐसा बोलते होंगे, ये भी घर उसी का हो, वो भी घर उसी का, लेकिन शायद लोगों को ये चिंता हो गई कि पुत्तन का घर खराब करने में 100% दिया था जुठियंका ने, अब 100 में 10% और ऐड करके ये घर खराब ना कर दे कहीं दुपट्टा का और लीचड़ का। लेकिन लीचड़ बहुत बड़े वाला लीचड़ और जिद्दी है, अपनी ही बहनों का वो भाई है, वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। उसने पूरा नीचे कब्जा करा है और प्रॉपर्टी भी अपनी बहन के नाम वो नहीं करेगा। वो कहता है ट्रैक्टर करा दिया, इसका मतलब ये नहीं है अब प्रॉपर्टी भी करा दूंगा, पहले ही मैं गलती कर चुका हूँ बहुत बड़ी वाली कि ये पुत्तन को जो ऊपर घर बना कर दे दिया, है ना। लीचड़ के एपिसोड में आप लोगों को जुठियंका नज़र नहीं आई, आई तो बताना, मैंने अभी पूरा देखा नहीं, इसलिए मैंने कहा ना कि मैं दूसरा एपिसोड भी लेकर आऊँगी। लेकिन ये लोग जो हैं अभी गलत ही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि भैया नई नवेली दुल्हनिया को बिल्कुल बायकॉट कर रखा है सासू माँ ने भी, लेकिन हाँ मठियाँ बांटने बटाने की जब बात आई थी तो मुझे पता है गांव में मुश्किल से थोड़े से घर हैं, रिश्तेदारी में लेना देना भी अगर जिनसे आपको करना है तो 50-60 लोग होंगे, लेकिन मठियाँ आपके घर में 100-150 पहुँची हैं, 150 से भी ज़्यादा थोड़ी सी, है ना। तो भाई आप एक एक मठी तो देते, भर भर के तो देते सब लोगों को, लेकिन आधी आधी तोड़ के, ये तो जब होता ना जब मठियाँ 51 आई होती, जब आप ऐसा करते, चलो आधी मठियाँ 51 जो आई थी उनमें से थोड़ी लगाते, है ना, आधी वाली उसमें लगा देते, कम से कम फिक्की मठियाँ तो आप एक एक दे ही सकते थे। चलो वो आपका व्यवहार है, आप किसी से आपको क्या मिला और आपने किसी को आगे क्या देना है, ये आपका व्यवहार है। लेकिन यहाँ पर जो फिलहाल झगड़े फसाद की जड़ ये जुठियंका है, एक बार फिर से साबित हो गया कि झगड़े फसाद की जड़ जो है वो जुठियंका ही है। आज पता लग गया, वो पहले भी पता था हमें, थंबनेल टाइटल रहे हैं मेरे ऐसे, तो आज भी ये क्लियर हो गया। कौन सा दुख है प्रॉपर्टी का, और वैसे तुम कह रही हो लालच नहीं है, इससे बड़ा लालच और क्या। और जी जहाँ पर भाभी ने भी कोई सरप्राइज प्लान नहीं किया बड़की जिजी के घर पर, भैया सेलिब्रेट तो कर लेते उसका बर्थडे, है ना, नहीं किया। अच्छा जी, मोटू की ओर से ये उम्मीद करके बैठी हुई थी, मोटू ने भी नहीं किया, विश भी नहीं किया मोटू ने, क्योंकि मोटू के लिए अब ये कुछ बोल ही नहीं रही, नहीं तो ये हमेशा बोलती थी कि इन्होंने विश किया, इन्होंने वीडियो कॉल पर बात की, कुछ किया। मोटू की छुपन छुपाई जो है सामने आ चुकी है, हाइड एंड सीक, मोटू अपने मायके में ही है, वो नहीं है इनके यहाँ, आप लोग कहते थे वो इनके यहाँ, नहीं है वो इनके यहाँ, वो अपने मायके गया हुआ, उसकी नाराज़गी सरेआम सामने आई है। उसने बोला नहीं चाहिए हमें हिस्सा भैया, हमें नहीं चाहिए कुछ, क्योंकि भाई ही होते हैं ना कि बहनें आती जाती रहें, भैया उनका मायके का घर खुला है और माँ जब तक जिंदा है भाई आप कैसे ले सकते थे, है ना, ये सारी बातें।
तो बाकी जो है नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आऊँगी, अभी जो सेकंड वीडियो आएगा तो उसमें कुछ अलग बातें होंगी, कुछ अलग तरीके से इनको एक्सपोज किया जाएगा। उसके लिए मुझे ये वाला एपिसोड भी देखना है जो इनका आया है। बिज़ी हूँ बहुत, आप लोग भी बहुत बिज़ी होंगे, सो अपनी पर ओपिनियन ज़रूर से रखना जैसे ही आप लोगों को मेरा ये वीडियो मिले। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना। ज़रूर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।